उपेक्षा कर रहा है वो धर्म की। तो इस तरह मैंने कुछ उदाहरण दिए। कुमार संभोग में पार्वती की जो मैत्री है वो सात्विक की मैत्री है, वो वृक्षों को अपना स्नेह देती है। विस्तृत रागा दधरा निवर्पित स्तनांगरागा रूणिताच कंदुकात कुशांकुरा दान परीक्षतांगुली ऋतुक्ष सूत्र प्रणयी तया कर। राग को छोड़ चुकी अधर से वस्त्रन अंगराग जैसी अरुणी कंदुक से वीर अपने कुशांकुरों को लाने से घायल हाथ को बनाया प्रणयी पार्वती ने रुद्राक्ष माला का। तो अक्ष माला का प्रेमी हाथ बन गया, वही उनकी सात्विकी की मैत्री है। तो दूसरी ओर राजसी करुणा कैसी होती है, मैं सभी उदाहरण नहीं पढ़ पाऊंगा तो बीच बीच में मैं छोड़ता हूं। राजसी करुणा कैसी होती है तो ये कहता है दिलीप राजा, ऐसा कहता है नंदिनी गाय को बचाने के लिए कि तू ऐसा काम कर, सिंह है वो, उन्होंने नंदिनी गाय को पकड़ लिया है और वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब राजा कहता है तू मेरा शरीर ले ले और उनको मुक्त कर दे। ऐसी मेरे देश से अपने शरीर वृत्ति को वृत्ति भोजन करने के लिए प्रसन्न हो, तीर धरने के लिए प्रशिक्षित बचने वाली इस महर्षि की गाय को छोड़ दे। तो आप देखेंगे तो यहां जो उनकी करुणा है दिलीप की, वो राजसी करुणा है, इसलिए कि दिलीप है वो गाय का रक्षण कर रहा है और ऋषि की गाय है वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या दूसरी गाय होगी तो वो ऐसा करता, अपना शरीर दे देता? तो एक जो राजसी है करुणा हो क्या है, उसमें कुछ प्रवृत्ति मिली जुली होती है। और तामसी करुणा कैसी हो, रामायण का एक उदाहरण भार्गव जी कि रावण कहता है कपि नाम किलालांगुलम इष्टम भवति भूषणम तदस्य दिव्यताम शीघ्रम तेन तत्न गच्छतु। रावण कहता है कि ये हनुमान है उनको पूछ अत्यंत प्रिय है, वानरों को पूछ अत्यंत प्रिय होती है, तो उनकी पूछ जला डालो, बाकी को छोड़ दो। तो ये उनकी करुणा भी तामसी करुणा है। आप देखिए दूसरों को पीड़ा देने वाली जो करुणा है वो तामसी करुणा है, ये बात सभी है। तो इस तरह राजसी मुदिता तामसी मुदिता ये सभी हो सकता है। तब आशावाद और निराशावाद, ऑप्टिमिस्ट पोएट्री एंड पेसिमिस्ट पोएट्री, वो मुदिता और मैत्री वाली जो है कविता वो ऑप्टिमिस्ट पोएट्री है, जो कालिदास में आपको दिखती है, बास में दिखती है। और पेसिमिस्ट पोएट्री निराशावादी जो काव्य है वो आपको भवभूति की रचनाओं में आप देख सकते हैं। तो आशावादो मैत्री मुदिता योगो। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि ये जो ग्रंथ है वो मैंने सूत्रात्मक शैली में लिखा है। तो एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि सताम सदभी संग पति तपि ही पुण्य नवगति। एक बार जोधपुर में एक संगोष्ठी थी और सुबह 6 बजे मैं दादाजी के रूम में गया, भार्गव जी के रूम में, और उन्होंने मुझे एकदम कहा कि अष्टव सूत्र भी लिखना बहुत आसान होता है। तो वो सूत्र उन्होंने मुझे ये दे दिए। तो आपकी कृपा से मैंने ये सूत्र की रचना की है। वो जोधपुर में जो संगोष्ठी हुई थी उसमें मैंने तो वो सूत्रात्मक शैली वो उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दी है। तो इसमें ये सूत्र है आशावादो मैत्री मुदिता योगो। आशावाद है वो मैत्री और मुदिता में है, जैसे उत्तरामचरित में राम कहते हैं कि यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधवो में यानी प्रिया सहचरस्थिर मध्यवासम। और मुदिता सीता का हाथ देकर वो राम कहते हैं कि ये तो मूर्तिमान महोत्सव जैसा हाथ है। तो ये नैराश्यवाद है वो करुणा और उपेक्षा में होता है, जैसे राधा वल्लभ जी की निदास लहरी है। नैराश्यवाद कैसे हो सकता है, दाहम दाहमयम लोकान नीति बीति प्रसारयन आतंकवादी खल वन निदाहो दाह मश्नुते अभी संधि विदीर्णा शोषिता अपनी है वर्जिता। वो ऐसा कहते हैं निदाहो निर्दयम शास्त्री क्रूरो भूमिपति यथा। जो निदा है वो तो अपना काम कर रहा है, मगर राधा वल्लभ जी को उसमें वो देखे तो साम्यवादी दृष्टि की है उनकी, उसको लगता है कि ये शोषण हो रहा है प्रजा का। और एक दूसरा एक नए वर्ष की जो है हम उपयोग करते हैं वो तो आनंद की बात होती है, नया वर्ष आता है
तो अगर कोई निराशावाद से अगर नए वर्ष की शुरुआत देखता है वो कैसा देखता है कैसा है, तो निराशावाद है वो पेसिमिस्ट पोएट्री है। मरे हुए वर्ष रूपी कुत्ते की लाश सड़ चुकी है, अस्थि खंडों में बचे हैं यादों के टुकड़े, समय के क्षेत्र में बिजू के जैसा काल कांपता है, दुर्घटनाओं की आंधियों से सहमा हुआ, प्रेत बिंदु में इलायची की गंध जैसा भविष्य मोह। वो कल कैसा वर्ष नया आएगा वो क्या मालूम, वो तो स्मशान के लड्डू में जैसे इलची है इलायची की गंध आती है ऐसा है वो तो भविष्य का मोह। प्रेत बिंदु में इलायची की गंध जैसा भविष्य मोह फैलता है, लाश की सड़न के साथ सड़कों पर टूटी खिड़की में मृत्यु गिद्ध श्वासों के पूरे होने की प्रतीक्षा में है। तब ऊंट के चोटी पृष्ठभाग में जंतु के जन्म की तरह जन्म लेता है नव वर्ष। आप देखेंगे तो एक सारा जो कवि की जो निराशा है वो नव वर्ष में वो किस तरह आरूढ़ होती है। तो जो पाश्चात्य सिद्धांत है कला है वो कला के लिए है, जीवन के लिए कला है, या तो कला है तो जीवन से पलायन के लिए है, या तो जीवन के में प्रवेश करने के लिए कला। ये चारों मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा में आ जाते हैं। मुदिता वाला कभी कभी कला के लिए कला में श्रद्धा रखता है, जयदेव की गीत गोविंद में भक्ति की मुदिता है, कालिदास के उत्तर मेघ में भी मुदिता है, उसका वास्तव के साथ कोई संबंध नहीं है। मुदिता का कवि है वो वास्तव के साथ संबंध नहीं रखता, उनकी उपेक्षा है वास्तव के साथ। जहां आनंद के आंसू हो यौवन के बाद कोई अवस्था न हो ऐसा विश्व कला में ही संभव होता है। बात मैत्री प्रधान कवि है उनमें विश्व मैत्री की भावना ज्यादा है, वे कला को जीवन के लिए मानते हैं, अतः सर्व शुभ हो ऐसा उनका विश्वास है। उन्होंने खल पात्रों में भी शुभ सज्जन बनाए हैं, कारण और उपेक्षा से जीवन में प्रवेश हो सकता है, जीवन से पलायन भी हो सकता है। वर्तुगरी में जीवन के लिए कला जीवन में पलायन दोनों बातें आती है। पुनः संसार में कल्याण देखने के लिए भगवान बुद्ध आए थे, वो महाकारुणिक भगवान बुद्ध महाकारुणिक थे, तो वो करुणा के लिए ही वो उन्होंने संसार छोड़ दिया और वो करुणा की दृष्टि से ही फिर संसार में आए संसार का उद्धार करने के लिए। तो करुणा से जगत से पलायन भी हो सकता है, जगत में प्रवेश भी हो सकता है, दोनों हो सकते। आप एस्केप भी कर सकते हो या तो आप संसार में प्रवेश भी कर सकते हो। बहुपति कारण्यवादी कवि है, उन्होंने संसार की वास्तविक करुण घटनाओं से पलायन करके तो राम कथा को चुना है। एक मेरा ऐसा विचार है कि जो मुदिता वाला कवि है वो केवल वास्तव से पलायन करता है ऐसा नहीं है, करुणा का कवि है वो भी कुछ न कुछ तो पलायन करता है। जैसे बहुपति ने राम कथा में करुणता देखी, अपने अपने समसामायिक जो संसार था उसकी करुणता क्यों उन्होंने नहीं गाई कही, तो वो भी एक तरह की उपेक्षा है वास्तव की, जो अपने जो युग है उनकी उपेक्षा है उनके साथ। तो इस तरह जब मुदिता करुण मैत्री करुणा और उपेक्षा से जब कभी पलायन करता है या तो प्रवेश करता है तब तो उनका प्रवेश एक अलौकिक प्रवेश होता है, इसलिए कि वो अपना भाव विश्व स्वयं बनाता है। तो ये दूसरे जो साधु सन्यासी जिस तरह पलायन करते हैं ऐसा पलायन नहीं है ये। तो मुझे यह बात बहुत जोर से इसलिए रखनी पड़ी कि जब मैं एक बार दिल्ली में ये बात कह रहा था तो एक विद्वान ने पूछा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये पलायन कैसा हो सकता है। तो ये पलायन कोई साधु संतों का पलायन नहीं है, कभी जब वास्तविक से जब वो भटकता है दूर जाता है तो उनकी एक अपनी सृष्टि बनाता है, या तो वो वास्तव में प्रवेश करता है तो भी उनका एक अपना संसार है। वास्तव में वो केवल जो दिखता है वही वास्तव नहीं है, वास्तव में भी अपना एक अलग सा वास्तव कल्पना मंडित वास्तव वो बनाता है। ये बात मुझे आपके सामने रखनी है। तो उनका भाव विश्व वही उनका प्रवेश है। सुदृढ़ उपेक्षा प्रधान साहित्यकार होते हुए भी उनमें शुभ में श्रद्धा और प्रेम में विश्वास उनका जीवन में प्रवेश है, तो वो जीवन में प्रवेश भी है उपेक्षा के साथ। तो काव्य की व्याख्या मैंने इस तरह दी है, स्पंदशीला प्रतिभा तस्य कारण, केवल प्रतिभा नहीं स्पंदशिला। जहां आप देखेंगे तो जो शैव दर्शन का जो स्पंद कार्य का जो है सिद्धांत वो आता है, मगर कवि है वो योगी से थोड़ा हटकर है, इसलिए
कि वो स्पंदित होता है तो करुणा से स्पंदित होता है, मुदिता से स्पंदित होता है, क्योंकि ये भगवती की ये कृपा है कि उनको ये स्पंदित होना है। मगर योगी से दूर हटकर कवि है वो दूसरे की भी दूसरे लोगों की करुणा को अपने अनुभूत कर सकता, अनुभूति उनको होती है। तो मैं उनको एक नया नाम देता हूं भार्गव जी, कलाना जी आपकी अनुज्ञा से। फिर विक्रम की वार्ताओं में जैसा आता है पर काया प्रवेश, कवि है वो दूसरों की काया में प्रवेश करके ये सभी दूसरों की जो वासना है, दूसरों की जो भावना है वो अपने आत्मसात करता है। तो सीता की पीड़ा वो केवल सीता की नहीं रहती, वाल्मीकि की पीड़ा हो जाती है और उनको वो अनुभूति में वो देख सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। यही कवि की विशेषता है। स्पंदशिला तो कवि है वो इसी वासनाओं से वो स्पंदित होता है और यही कारण वो परकाया प्रवेश से वो दूसरों की जो भावना है वो भी आत्मसात करके कविता लिखता है। एक दूसरी मुझे छोटी सी कविता है वो मुझे याद आ रही है, वो आपके सामने मैं पढ़ूंगा कि किस तरह परकाया प्रवेश करके या दूसरे की अनुभूति है वो कैसे अपनी हो जाती है। काव्य है वो एक नायिका के मुख से निकला है, कोई अलंकार नहीं है इसमें, रस भी शायद हो न हो, रस हो तो स्थायी भाव संचारी भाव ये सब भी आप नहीं बता सकेंगे क्योंकि यह आधुनिक कविता है। मैं हूं अमावस, यह गांव का निशान है, ब्राह्मणों की कुएं से जल भरने के लिए गए चरणों का अपराध। हाथ पर जो निशान है वो अल्प की रोटी को देखकर गर्म संची से हुआ है जो दिया था मां ने मेरी मूर्ता को दिखाने के लिए। बाल प्रदेश में लाठी के जो निशान है वह सवर्णितर जन के साथ किए गए प्रेम के लांछन है। पीठ में छिपाए है जो निशान वह सास की कृपा है। जांघ पर है दाग नशाखोर पति की सिगरेट के, मेरी चांदनियां तो झुलस गई है गर्भपातों से। मैं हूं अमावस की रात, अंधेरे में निशान नहीं होते, होती है केवल मेरा है। तो दूसरी जो काव्य की व्याख्या, जो स्पंदित होता है कभी वही स्पंदशिला प्रतिभाई वो कवि को काव्य दिखाती है। एक मरे बड़े अच्छे विवेचक भी सामने आ गए रमाकांत जी, उनको प्रणाम करता हूं सर, उन्होंने हमारे तीनों के काव्य शास्त्र पढ़े हैं अच्छी तरह से। तो काव्य लक्षण मैंने इस तरह दिए, कविता क्या है वास्तव में, लोक लोकोत्तरा पूर्व वर्णन क्षमम कवि कर्म काव्य। लोक और लोकोत्तर दोनों का अपूर्व वर्णन करने की क्षमता जिसमें है ऐसा कवि कर्म काव्य है, ये मेरी काव्य व्याख्या है। यह लोक मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षामय है, लोकोत्तर केवल मुदितामय ही है। इन दोनों के अपूर्व वर्णन में समर्थ कवि कर्म काव्य है। वर्णन से शब्द और अर्थ का समाहार होता है एवं अपूर्व शब्द से क्षण क्षण नवीनता की प्राप्त होने वाली रमणीयता का अपूर्व और अश्रुत पूर्व जो लक्षित होता है वही काव्य का चमत्कारित्व है। जो जगत में है उसके वर्णन ही काव्य होता तब उसमें आधारवत्ता नहीं आती। कवि लोक में लोकोत्तरता, लोकोत्तर में लौकिकता का निरूपण करके वो चमत्कार करता है। आप देखिए कवि के पास जो लोक है उनको या तो लोकोत्तर बनाए या तो लोकोत्तर है उनको लोक बना दे, यही उनका चमत्कार है। आप देखिए तो शकुंतला है वो भी हमारे जी हमारे किसी गांव में या तो जयपुर में या तो दिल्ली में रहती है ऐसी कोई लड़की ही होगी ना, मगर कालिदास कहते हैं कि ये तो कोई ऐसा लगता है कि कोई दूसरी सृष्टि रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभा वो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो ये उनको लोक को लोकोत्तर बनाने की जो उनकी जो है शक्ति वही कविता है। शकुंतला है वो लोकोत्तर है, वह तो लौकिक है, उनका सौंदर्य भी लौकिक है मगर उनको अलौकिक बना के कालिदास वो श्रेष्ठता साबित करते हैं। तो दूसरी ओर जो हमको लोकोत्तर लगता है वो उनको लोक में ला के कवि चमत्कार करता है, वो दोनों उनका अपूर्व ये निर्माण है। अब
और राजा वल्लभ जी का एक मत है, वो मत के साथ मैं सहमत नहीं था, इसलिए बाहर लिखा है कोई लोक है वो केवल मैं स्वर्ग वगैरह को लोक में मैं गिनती नहीं करता। मूर्त को अमूर्त बनाकर, अमूर्त को मूर्त बनाकर, दृष्ट में अलौकिकता और अलौकिक में लौकिकता की स्थापना करके वर्णन को पंचेन्द्र ग्राह्यता कर सार कर अपूर्वता लाता है। कभी कभी की सृष्टि लौकिक है मगर वो अलौकिक बनाता है, यही पार्थिव अनुभूति अलावा अलौकिक अनुभूति आती है। तो एक उत्तराम चरित है बहुत अच्छा है, जिसमें वो आप देखिए तो काव्य है वो किस तरह उत्तम होता है, तो मैंने व्याख्या की है उसमें, मेरे ऐसा मानना है। प्रातिभम मैत्रादिनाम चिदंशेना प्रसुतम काव्यम उत्तमम, जो प्रतिभाशील कवि है उनकी प्रतिभा से, और मैत्री वगैरह के चिदंश जो सनातन मनुष्य उनसे जो काव्य का जन्म हुआ है वो काव्य उत्तम बनता है। तो महाकवियों के जो जिस काव्य रचनाएं जो अमर हुई है उसमें ये भावनाएं आपको एक साथ सामने आती है। भोगपति का एक छोटा सा श्लोक है मगर उसमें मुदिता मैत्री और उपेक्षा तीनों साथ में है, और एक उत्तम श्लोकों में से ये है। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे इत्यादि प्रियशतेरनुरुध्य मुग्धं तामेव शान्त मतवा किमिहोत्तरेण त्वं जीवितं मुदिता द्वितीयं हृदयं, प्रियतम के लिए प्रियतः क्या होती है, द्वितीय हृदय होती है, ये मैत्री है। तुम को मुदी उसमें आनंद है, मुदिता है इत्यादि भी प्रिय सती वो तामी व शांत महा से उपेक्षा आ जाती है। तो आप देखिए एक साथ मुदिता मित्री और उपेक्षा से किस तरह वो काव्य है उनकी एक हाइट आ जाती है। उस तरह अमरु के एक श्लोक भी मैंने यहाँ उपेक्षा और मुदिता का उदाहरण एकस्मिन शयने, एक शैया में अलग अलग होकर सोए हुए, कष्ट पाते हुए, हृदय में एक दूसरे के अनुनय करते हुए, अपने गौरव की रक्षा करते हुए दंपति धीरे से नेत्र प्रांतों को मोड़ने से, आंखों के परस्पर मिलने से, कंठग्रह को छुड़ाने वाला मान रूपी कली हंसी के साथ शीघ्र भग्न हो गया। तो दोनों जो प्रियतम और प्रियतमा रूठे हुए थे अचानक आंखें मिल गई और एक दोनों के बाहुपाश में वो बन गए। तो आप देखिए उपेक्षा और मुदिता किस तरह एक साथ आते हैं। तो इस तरह दूसरी मेरी यह स्थापना है कि जो प्रतिभाशील कवि है वो कभी कभी शिल्प कर्म करता है, कारु कर्म, ऐसा मुझे लगता है। महाकाव्यों में ऐसा बहुत होता है, कोई भी कवि अगर बहुत प्रतिभाशील है तो भी उनकी प्रतिभा वो चिरंतन नहीं होती, हरेक श्लोक में वो प्रतिभा है ऐसा नहीं है, मगर कवि है वो या तो अलंकारों से या तो गुण से या तो रीति से इस तरह वो काव्य को संस्कृत करता है जिससे वो कविता अच्छी लगती है। तो कभी कभी मध्यम काव्य भी होता है, प्रतिभा शिल्प कर्मजम काव्यम उत्तम मध्यम गुणीभूतम प्रातिभम कारु कर्मजम काव्य मध्यम, पर जो काव्याभास है सायासम प्रतिभा शून्यम प्रस्वेदजम काव्यम पदमम काव्याभास होगा। आयास पूर्वक जो कविता लिखी जा रही है, आयास पूर्वक जो कविता लिखी जाती है, राजशेखर ने ये बात पहले कही थी कहीं कि कविता शास्त्रों के अभ्यास से भी हो सकती है, मैं उनके साथ सहमत हूं, इसलिए कि हमारे बहुत से पंडित वो छंदों में प्रावीण्य होने से रचना कर डालते हैं मगर वो कविता बनती है कि नहीं वो सोचना वो नहीं चाहते। तो कभी कभी हमारे गुजराती में एक सुरेश जोशी नाम के कवि थे, वो ऐसा कहते थे कि ही वॉज अ पोएट। उमाशंकर भाई जब जीते थे तब वो कहते थे उमाशंकर वॉज ए पोएट, अब वो पोएट नहीं है। तो कभी कभी कवि जिंदा हो मतलब उनकी कविता मर जाती है और कवि भी मर जाता है। तो ऐसी जो अदम कविता है वो उनके मरने के पहले वो कविता भी मर जाती है और कवि भी मर जाता है, इसीलिए काव्याभास जो है वो इस तरह की कविता है। तो इनसे बचना चाहिए, कवियों को ये ध्यान रखना चाहिए। तो
इसके बाद काव्य प्रयोजन के बारे में मैंने लिखा है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा संबद्धानी का भी प्रयोजन आनी, काव्य प्रयोजन है वो भी इन चार वासनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। बागेश्वरी की करुणा और मुदिता से कवि के यश का विस्तार होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। कवि की संसार के साथ मैत्री से व्यवहार ज्ञान प्राप्त होता है। मैत्री से यश का यश के विस्तार के साथ कवि को काव्य रसज्ञ समाज की ओर से धन प्राप्ति होती है। मुदिता से सर्वदयों का आनंद मिलता है। मुदिता से सद्या परिनिर्भूति अचानक परम आनंद की भी अनुभूति होती है। तो ये काव्य प्रयोजन है वो भी ये चारों वासनाओं के साथ जुड़े हैं। अब एक मेरी नई स्थापना है, समीक्षक भी चार प्रकार के होते हैं, मित्र, कारुणिक, मुदित और उपेक्षक। आज के जमाने में मैत्री विवेचन की एक बोलबाला है। आज मेरी कविता छपी, मेरे मित्र को दे दी, उन्होंने विवेचन कर दिया, दूसरे अंक में छप गया और भी महा तो ही बन गया। तो जो 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 मैत्री विवेचन होता है उसमें कोई टीका नहीं होती, वो सब अच्छा है, साधु साधु कहो को महोध्वनि जो चलता है। तो वो कवि है, वो जो विवेचक वो मित्र विवेचक है, मित्र प्रधान विवेचन करता है, काव्य की अच्छा या रस अलंकार शब्द चयन आदि की बात रखता है, लेकिन काव्य का कौन सा पक्ष कमजोर है वह न जान पाता। तो ये मित्र विवेचन है। मुदित, काव्य के गुण के प्रति प्रसन्नता होती है उनको, मगर वो भी प्रसन्नता तक वो सीमित रहता है। कारुणिक कवि है, वो कवि और कविता दोनों के प्रति करुणाशील होता है। अर्जुन ब्रह्मदेव मुझे याद आते हैं, जिन्होंने कमल शतक पर जो लिखी टीका, तो उनकी एक ये दृष्टि भी है करुणाशील,